सोशल मीडिया पर सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद पहला बड़ा एक्शन, ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज। शिकायत के बाद भी ट्विटर ने नहीं हटाया विवादित वीडियो, 25 फरवरी को हुआ था सोशल मीडिया के नए आईटी नियमों का ऐलान। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर घिरा, गलत जानकारी और धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज, कंपनी का बयान कर रहे हैं नियमों का पालन। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक मामला है पुराना, ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। आरोपियों में राणा अयूब, जुबैर अहमद, सलमान निजामी, मजकूर उस्मानी, डॉक्टर समा मोहम्मद, सबा नकवी के नाम शामिल। गुजरात के आणंद में बेकाबू ट्रक ने कार को रौंदा, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौके पर मौत। आगरा में हुई दर्दनाक घटना में 3 बच्चों की मौत, हाल ही में बनकर तैयार हुई है मकान की छत, गिरने से हुआ हादसा। भिंड में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बेटे की मौत, पिता जख्मी, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से महिला की मौत। नोएडा के निर्माणाधीन मॉल में हादसा, एक हिस्सा गिरने से 5 मजदूर जख्मी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ढलान पर, 24 घंटे में करीब 62,000 नए केस। कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक, 24 घंटे में करीब 2,500 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,19,00,000 के पार, 24 घंटे में करीब 28,00,000 लोगों को लगा टीका। देश में वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि, 68 साल के बुजुर्ग को टीका लगने के बाद हुई थी एलर्जी। शिरडी में 6 महीने की बच्ची की ब्लैक फंगस से मौत, माता पिता के जरिए कोरोना संक्रमित हुई थी बच्ची। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला, अखिलेश बोले जांच होने तक ट्रस्ट के सदस्यों को देना चाहिए इस्तीफा। अयोध्या जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट ने केंद्र को भेजी फैक्ट रिपोर्ट, आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने की तैयारी। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर संजय सिंह ने एक बार फिर किया हमला, बोले चंदा चोरों को जाना चाहिए जेल। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश के बयान के बाद कांग्रेस ने भी किसी गठबंधन से किया इनकार, कहा हर पार्टी अपने हित में करती है फैसला। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर बड़ा सियासी बवाल, दिल्ली पहुंचे राज्यपाल धनखड़, नाराज ममता ने कहा बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश। बीजेपी नेता सुनील मंडल ने किया बंगाल में राष्ट्रपति शासन का विरोध, कहा बहुमत से सत्ता में आई है ममता सरकार। पीके और शरद पवार मुलाकात के बाद अटकले तेज, पीके की बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद। कर्नाटक बीजेपी में असंतोष पर, दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे प्रभारी अरुण सिंह, सीएम से असंतुष्ट हुए गुट की सुनेंगे फरियाद। सचिन पायलट गुट के विधायकों को सीएम गहलोत ने बताया पार्टी विरोधी, आलाकमान से कार्रवाई की अपील। श्रीनगर के वगुरा इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़, फायरिंग में एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों को एक मकान में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खबर, इलाके की घेराबंदी कर देर रात में ही शुरू हो गई थी मुठभेड़। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे स्थानीय युवा। मुजफ्फराबाद के युवाओं का इमरान सरकार पर भेदभाव का आरोप, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों को मिल रही है सरकारी नौकरियां। पाकिस्तानी संसद में बजट पर चर्चा के दौरान घमासान, सत्ताधारी और विपक्षी सांसदों ने एक दूसरे पर बजट की कॉपी फेंकी। हादसे को दावत दे रहा है यमुनोत्री नेशनल हाईवे, बिन बारिश के दरक रहे हैं पहाड़। हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा, बाल बाल बचे सड़क पर काम कर रहे लोग। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश की जताई आशंका। मॉनसून की बरसात से पहले दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृहमंत्री ने बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मौसम विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, CWC और NDRF के बीच तालमेल पर जोर।
राजस्थान के जैसलमेर में उठा रेतीला तूफान, दिन में छाया रात जैसा अंधेरा। मुंबई में फिर शुरू हुई बरसात, सायन इलाके में भरा पानी। फिर से रद्द हुई चारधाम यात्रा, 24 घंटे के भीतर अपने ही फैसले से पलटी उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में पाबंदी के बाद आज से फिर खुला ताजमहल, सुबह से ही जुटने लगे पर्यटक, टिकट की सिर्फ ऑनलाइन बिक्री। गलवान में चीन के साथ हुई झड़प के एक साल पर सेना ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, गलवान के वीर के नाम से जारी किया वीडियो। सरहद पर जब छाया बादल, वक्त पड़ा मुश्किल, गिर गया था दुश्मनों से अपना शेर दिल।